सन 55 हिजरी में, 55 सन 55 हिजरी में, यानी यजीद को तख्त पे बिठाने से 5 साल पहले मदीने मुनव्वरा जाकर, ये मुआविया बिन अबी सुफियान, अब आपको कहना पड़ रहा है मुझे, मुआविया बिन अबी सुफियान मदीने मुनव्वरा जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो बराह रास्त फेस टू फेस कहता है कि आपका कोई वेलकम नहीं है, आपको कोई मरहबा नहीं कहा जाएगा, ए हुसैन इबन अली तेरी मिसाल माज़ल्लाह, उस उनके अल्फाज जो है, तेरी मिसाल ऐसी है जैसा ऊँट बुढ़िया हो गई और उसका खून पतला हो गया, अन करीब उसको ज़ुबह कर दिया जाएगा। ये डायरेक्ट धमकी फेस टू फेस मुआविया बिन अबी सुफियान, उठाइए पढ़िए अलकामिल इब्ने असीर भी उठा कर पढ़िए, आप डायरेक्ट फेस टू फेस इमाम हुसैन को धमकी दे रहे हैं। अगर यजीद कत्ल किया है तो यजीद बाद में कत्ल किया, धमकी किसने दिया था, प्रोग्राम किसको किसने बनाया था, मुआविया बिन अबी सुफियान ने डायरेक्ट कहा है इमाम हुसैन को कि तेरा खून क्या कहते हैं पतला हो गया, उस ऊँटनी की तरह हो गया जिसका, जिस ऊँटनी का खून पतला हो गया, और जब ऊँटनी ऊँट वगैरह का खून ज़्यादा पतला हो जाता तो फिर वो ज़्यादा काम के नहीं होते, तो खुद से मरने से पहले उसको ज़ुबह कर दिया जाता है ताकि गोश्त हलाल हो जाए और खाने तो काम में आ जाए, खुद से मर जाए तो मुर्दार का गोश्त हलाल नहीं होता, तो ऊँट को काट देते थे जब उसका खून पतला हो जाता, तो तेरी मिसाल उस ऊँट की तरह हो गई जिसके, ऊँटनी की तरह हो गई जिसका खून पतला हो गया और आन करीब ज़ुबह कर दी जाएगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको जो है इनकी हुकूमत आपको अच्छी दिखी, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बराह रास्त कत्ल की धमकी दे, जो हज़रत हुजर बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला का कत्ल करा दे, सीनियर तरीन सहाबी और साबिकून अल अव्वलून में से जो मुआविया बिन अबी सुफियान से 15-20 साल पहले इस्लाम कबूल किए, वो सहाबी हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला, जिनकी फ़ज़ीलत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा फरमाए कि अम्मार लोग को जन्नत की तरफ बुलाता है और बागी टोला उसे जहन्नम की तरफ बुलाता है, यही बागी टोला मुआविया बिन अबी सुफियान का जी, अम्मार बिन यासर की फ़ज़ीलत है कि वो लोग को जन्नत की तरफ बुलाते हैं, कितने फ़ज़ाइल हैं हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला के, मुआविया बिन अबी सुफियान अम्मार बिन यासर के कातिल, मुआविया बिन अबी सुफियान हज़रत हुजर बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला के कातिल, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर के कातिल, ये सब जितने कत्ल हो रहे हैं इनका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर मारे गए जी, कितने सहाबा है मैं आपको गिनाता चला जाऊँ, इतने सहाबा को अपने दौर में कत्ल करवाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बराह रास्त जो है फेस टू फेस धमकी दिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का उन्हीं के दौर में जहर देकर उनको शहीद किया गया और कातिल नहीं पकड़ा जाता, आज यही नहीं हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, मोदी सरकार के अंदर जो है मासूम लोगों का कत्ल कर दिया जाता है और कातिल नहीं पकड़ा जाता, नहीं हो रहा है, बस यही दौर था, वो भी यही दौर था, ये छोटा जुल्म का दौर था, वो बड़ा जुल्म था, यहाँ पर गरीब और मिस्कीन और जाहिल लोग को मारा जा रहा, वहाँ पर आलिम और अकाबिर सहाबा और अहले बैत को इसके साथ दुश्मनी निभाई जाती थी जी। आप खलाल का कौल नकल कर रहे हैं, अगर आप खलाल का कौल नकल कर रहे हैं तो हज़रत अबू बकर अल खलाल रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल भी आप नकल कर दें, वही अबू बकर अल खलाल है ना जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये रिवायत की है, दूसरी रिवायत भी सुना दीजिए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला नुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर उम्मत में एक फिरौन होता है और मेरी उम्मत का फिरौन मुआविया बिन अबी सुफियान है। मैं इस रिवायत की सेहत ज़ौफ मौजू वगैरह ये चक्कर में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो खलाल का आप हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास के कौल तारीफ़ में नकल किया है, वही हज़रत अबू बकर बिन खलाल अबू बकर अल खलाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में ये भी नकल करते हैं, सुनाएंगे आपके अंदर हिम्मत है अबू बकर अल खलाल का आप नाम लेने बैठे, किसका नाम ले रहे हैं आप, इमाम ज़हबी का नकल करते हैं नाम, इमाम ज़हबी रिवायत नकल करते हैं जी, फरमाते हैं मिकदाम हज़रत मिकदाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमर क्या कहते हैं मुआविया बिन अबी सुफियान अमर बिन अल असवद और असद ख़ानदान का एक असदी था जो मुआविया बिन अबी सुफियान का ख़ास आदमी था, असदी उनके साथ था, ये तीनों चारों की मुलाकात हुई, जब गुफ्तगू हुई तो मुआविया ने हज़रत मिकदाम रज़ी अल्लाह तआला को इत्तला दी, ये इमाम ज़हबी ने सीर अलामुन्नबला में, इमाम ज़हबी का आप नाम लिया ना, ये रिवायत इमाम ज़हबी नकल कर रहे हैं, सुनो, और उसी किताब में सीर अलामुन्नबला में फरमाते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने कहा मिकदाम रज़ी अल्लाह तआला से कि इमाम हसन इंतकाल कर गए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इंतकाल कर गए, इंतकाल हो गया, तो हज़रत मिकदाम रज़ी अल्लाह तआला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कब पढ़ते हैं, जब मुसलमान पर मुसीबत आती है
اذا اصابت مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت آتی ہے تو مسلمان یہ پڑھتا ہے. جب امام حسن علیہ السلام کے انتقال کی خبر سنے تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اتراہا مصیبہ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مصیبت ہے؟ اللہ, امام حسن کی شہادت ان کو مصیبت نہیں لگ رہی ہے. عام مسلمان کے انتقال پر انا للہ پڑھتے ہیں, امام حسن کے انتقال پر انا للہ پڑھے تو معاویہ کو اعتراض ہوا اور کہا اتراہا مصیبہ, کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی مصیبت ہے پڑھنے کے لیے؟ حضرت مقدام نے کہا کیوں نہیں, وقد وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجرہ, کیوں مصیبت نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گود میں بٹھائے, وقال هذا منی وحسین من علی, اور حضور ان کو امام حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے کہتے تھے, جس کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسن مجھ سے ہے, ان کا انتقال مصیبت نہیں ہے. تو معاویہ بن ابی سفیان اپنے خاص آدمی سے پلٹ کر کہتے ہیں فقال للاسدی, اسدی سے کہتے ہیں پلٹ کر, ما تقول انت, اسدی تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو اسدی کیا کہتا ہے معلوم, یہ معاویہ کا خاص آدمی, جمرۃ اطفأها اللہ, جمرۃ اطفئت, یہ بعض روایتوں میں جمرۃ جمرۃ اطفأها اللہ کیا الفاظ ہے, یہاں پر امام ذہبی کے الفاظ ہے کہ انگار کا ڈلہ تھا بجھ گیا. امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں, امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کا خاص آدمی معاویہ کے سامنے یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جمرۃ اطفئت, آگ کا ڈلہ تھا بجھ گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہونا کیا تھا؟ آپ یہ جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاویہ کو بڑی اہل بیت سے محبت تھی, بڑے امام حسن کی تعریف کرتے تھے, تو اٹھ کر حضرت امیر معاویہ اٹھ کر وہ اسدی کو دو تھپڑ مارنا تھا, جیل بھیجنا تھا اس کو, جی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا, اس کی ان سے متعلق آپ ایسی بات کہتے ہیں, جیل بھیجنا تھا؟ نہیں نہیں جی, فقال المقدام, کچھ نہیں.